हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव किचन्स में। तो बचे हुए चावलों को कभी बनाया है इस तरीके से कॉर्न चिली राइस? तो चलिए आज आपको बनाना सिखाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पैन में लेंगे हम ऑयल, ऑयल में ऐड कर देंगे थोड़ा सा बटर, अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स जब तक बटर पिघल ना जाए पूरी तरीके से। जैसे ही बटर पूरी तरीके से पिघल जाए हम उसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज, ऐड कर देंगे कैप्सिकम एंड शेजवान सॉस, अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। थोड़ी सी जब ये पक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए प्याज। आप चाहें तो इसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं, सब्जियां अपने हिसाब से। ऐड कर देंगे कॉर्न, ये स्वीट कॉर्न भिगोए हुए स्वीट कॉर्न है, ये उबाले हुए स्वीट कॉर्न्स नहीं है, इसे भिगो के रखें। कुछ इस तरीके से बनाएंगे, टेस्ट बहुत प्यारा आएगा। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर, थोड़ी सी सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली पाउडर जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, बहुत प्यारा कलर आएगा इससे। अच्छे तरीके से कर दें मिक्स। जब जिन्हें कॉर्न पसंद है उसके लिए ये डिश बहुत प्यारी डिश है, एक बार बना के देखें, दिल खुश हो जाएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये डिश आपको कैसी लगती है। अच्छे तरीके से करें मिक्स, थोड़ा सा ऐड करें सॉल्ट अपने हिसाब से, थोड़ा सा अजीनोमोटो, अच्छे तरीके से करें मिक्स। थोड़ा सा ऐड कर दे बटर, बटर मैंने इसलिए ऐड किया कि चावलों के ऊपर एक शाइन आ जाएगी बटर की वजह से। अच्छे तरीके से करेंगे हम इसे मिक्स, सारी चीज़ें एक जैसी मिल जाएगी, तब हम इसमें ऐड कर देंगे बचे हुए चावल। अच्छे तरीके से खोल के एकदम अलग अलग करके ऐड करें। अब इसे मिक्स करते जाएं। अब होगा ये कि जो सॉस है जिनकी एक प्यारी सी ग्रेवी बनी है वो पूरी की पूरी कोटिंग हो जाएगी चावलों के ऊपर, और जो हमने बटर ऐड किया है वो बटर की वजह से इसके ऊपर एक शाइन आ जाएगी। अपने बच्चों के लिए, घर आए मेहमान के लिए कुछ इस तरीके से बनाएं, बहुत झटपट बन जाती है ये डिश। ऐसी ही झटपट रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसे करते हैं प्रेजेंटेशन, कुछ इस तरीके से करें प्रेजेंट। गार्निश करें धनिया से, अगर चाहें तो आप ग्रीन चिलीज से प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी डिश। चलिए टेस्टिंग करते हैं, देखिए टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें।